सब्सक्राइब कीजिए एसेट योगी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसेट योगी में आपका स्वागत है, जहां हम फाइनेंस और रियल एस्टेट की नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी कार्ड के बारे में। प्रॉपर्टी कार्ड क्या होता है, इसके क्या फायदे हैं या क्या फायदे हो सकते हैं फ्यूचर में। एक्चुअली गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से काफ़ी सारे सिटीज़ के अंदर ये प्रॉपर्टी कार्ड का इनिशिएटिव आ रहा है धीरे धीरे। इनफैक्ट इसे आप आधार की तरह कंपेयर कर सकते हैं, हर इंडिविजुअल की जिस तरीके से एक आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है, हो गई है इनफैक्ट इंडिया के अंदर, उसी तरह प्रॉपर्टी की आइडेंटिटी भी क्रिएट हो रही है, या फिर आप इसे कार के रजिस्ट्रेशन नंबर की तरह मान सकते हैं। जैसे हर कार का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, लेकिन प्रॉपर्टी का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी कार्ड का कॉन्सेप्ट है, ये मेनली अर्बन लैंड में या अर्बन प्रॉपर्टीज के लिए बनाया जा रहा है। अब अगर मैं इसका पैरेलल ड्रॉ करूं तो रूरल लैंड में आपके लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, हर खेत का एक सर्वे नंबर होता है, जिसे हम खाता नंबर भी कहते हैं हिंदी में। अब दूसरी ओर अगर हम अर्बन प्रॉपर्टीज की बात करें तो इस तरीके का कोई हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता है, खाली एक किसी का फ्लैट नंबर होता है, प्लॉट नंबर होता है, लेकिन एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर नहीं होता है जो ट्रेसेबल हो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के हिसाब से। तो उसी को कैटर करने के लिए, जैसे कोई प्रॉपर्टी दो बार ना बिक जाए, फ्रॉड्स को कंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है। काफ़ी सारे सिटीज़ के अंदर ये ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है, जैसे मुंबई के अंदर है, पुणे के अंदर ये इंप्लीमेंट हो चुका है, अब ये अहमदाबाद के अंदर इंप्लीमेंट किया जा रहा है, मैसूर के अंदर किया जा रहा है, दिल्ली के अंदर, ये साउथ दिल्ली के अंदर काफ़ी ज़्यादा कवर हो चुका है, नॉर्थ दिल्ली भी मोस्टली कवर हो चुका है, धीरे धीरे ये काफ़ी सारे सिटीज़ के अंदर लॉन्च किया जा रहा है। अब साथ ही में मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस और बता देता हूँ। अब मुंबई के अंदर अगर हम प्रॉपर्टी कार्ड की बात करते हैं तो उसके अंदर डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं, आपको पूरी ओनरशिप डिटेल्स मिल जाती हैं उसके अंदर। लेकिन अगर हम दिल्ली के अंदर बात करें तो दिल्ली में ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इसको इशू कर रही है, इसके अंदर आपको सारी ओनरशिप डिटेल्स नहीं मिलती हैं, ये मेनली प्रॉपर्टी टैक्स पर्पज के लिए हो रहा है। तो हर सिटी के अंदर ये एक अलग अथॉरिटी इसकी इंचार्ज हो सकती है, और उसके अंदर आपको किस तरीके की डिटेल्स मिलती हैं ये अलग हो सकती हैं। लेकिन एक ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है कि हर प्रॉपर्टी का एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट हो जाए और फ्यूचर के अंदर उसको जरूर ट्रेसेबल बनाया जा सकता है। तो चलिए मैं आपको क्विकली एग्जांपल दिखा देता हूं कि मुंबई के अंदर प्रॉपर्टी कार्ड के अंदर आपको किस तरीके की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और साथ ही में हम एक एग्जांपल दिल्ली का भी देख लेते हैं। चलते हैं सीधा मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो ये देखिए, ये एक एग्जाम्पल है मुंबई में प्रॉपर्टी कार्ड का, इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ पे कैडेस्ट्रल सर्वे नंबर मिल जाता है, ये मैंने फोर्ट की एक प्रॉपर्टी का निकाला है, ये आपका कैडेस्ट्रल सर्वे रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, ये पेज नंबर हो गया, ये यहाँ पे आपकी एड्रेस डिटेल्स आ गई। यहाँ पे देखिए एरिया भी मिल जाता है आपको उस लैंड का, जिस प्रॉपर्टी का मैंने निकाला है। साथ ही में आपको यहाँ पे होल्डर्स की डिटेल्स मिल जाती हैं, मॉर्टगेजर कौन है, हो सकता है इस पर कोई लोन लिया गया है, और यहाँ पे शेयर्स कितना कितना है ओनर्स का, ये भी आपको मिल जाता है एग्जैक्टली। और किस तरीके से ये प्रॉपर्टी हैंड्स चेंज करती है, ट्रांसफर अगर किसी दूसरे के नाम पे होता है तो यहाँ पे नया नाम रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब ये प्रॉपर्टी कार्ड की डिटेल्स आप इस वाली वेबसाइट से निकाल सकते हैं, prcmumbai.nic.in। तो इस तरीके से आप अर्बन एरियाज की प्रॉपर्टी कार्ड डिटेल्स निकाल सकते हैं। बाकी मैंने एक लैंड रिकॉर्ड्स के लिए भी डिटेल्ड वीडियो बनाया था कि आप लैंड रिकॉर्ड्स किस तरीके से निकाल सकते हैं, वो महाभुलेख की वेबसाइट से निकलता है, आप मेरा वीडियो जरूर देख सकते हैं कि किस तरीके से आप अपना 7-12 के रिकॉर्ड्स निकाल सकते हैं। तो ये हो गई मुंबई की बात। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं दिल्ली के कार्ड का, कि साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इस तरीके से इशू करे हैं प्रॉपर्टी कार्ड्स। तो यहाँ पे आपका एक ये यूनिक आइडेंटिटी आ जाता है, यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाता है। अब जैसा मैंने पहले आपसे कहा था कि दिल्ली के अंदर ये ओनरशिप आपकी नहीं बता रहा है, ये बेसिकली प्रॉपर्टी टैक्स के लिए है, ये आपका टाइटल नहीं प्रूव कर रहा है। लेकिन हो सकता है फ्यूचर में प्रॉपर्टी कार्ड से आपकी ओनरशिप भी लिंक हो जाए, टाइटल के लिए भी उसको कंसिडर कर सकती है गवर्नमेंट, लेकिन अभी एज ऑन डेट ये खाली प्रॉपर्टी टैक्स के लिए है। सो सिमिलरली इसी तरीके से इनिशिएटिव्स अलग अलग सिटीज में लिए जा रहे हैं, जैसा मैंने आपसे पहले बात की थी कि अहमदाबाद में, मैसूर में, गुजरात में और भी सिटीज में लिए जा रहे हैं। तो काफी सारे सिटीज में प्रॉपर्टी कार्ड का कॉन्सेप्ट आ रहा है, जो काफी एक अच्छा इनिशिएटिव है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर लें। अगर आपके कुछ सुझाव हैं या आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं फ्यूचर वीडियोस के लिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मैं हर रोज फाइनेंस के इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहता हूं, तो आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।